देहरादून से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां एक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि छात्र ने आत्महत्या करने से पहले कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। परिजन दरवाजा तोड़कर अंदर गए, लेकिन तब तक छात्र की मौत हो चुकी थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 19 वर्षीय सचिन देहरादून के वसंत विहार इलाके में अपने नाना नानी के साथ रहकर पढ़ाई करता था। बीती शाम जब काफी देर तक सचिन ने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो परिजन परेशान हो गए। उन्होंने सचिन को आवाज भी दी, लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही सब कमरे के अंदर गए तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि सचिन कमरे की छत से लटका हुआ था। मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस के अनुसार मृतक के पास से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है, इसलिए आत्महत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन मामले की जांच अभी भी जारी है।